नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाऊंगी। अब ध्यान से सुनना। तो बच्चों, इस कहानी का नाम है मक्खी का लालच। एक व्यापारी था जो कि एक बार अपने ग्राहक को शहद बेच रहा था, और अचानक से तब क्या हुआ, उस व्यापारी के हाथ से शहद वाला बर्तन फिसलकर गिर गया। सारा शहद ज़मीन पर बिखर गया। जितना शहद ऊपर ऊपर से उठाया जा सकता था उतना उस व्यापारी ने उठा लिया, परंतु कुछ शहद ज़मीन पर ही गिरा रह गया था। और जैसे कि बच्चों आपको पता है, जब भी कुछ मीठी चीज़ नीचे गिरती है तो मक्खियाँ आ जाती हैं उस पर, है ना। तो कुछ देर में ही बहुत सी मक्खियाँ गिरे हुए शहद पर आकर बैठ गई और जल्दी जल्दी से उसे चाटने लगी। और अब जब उन मक्खियों का पेट भर गया और वह उड़ना चाहती थी, तो क्या हुआ, वह उड़ नहीं सकी क्योंकि उनके जो पंख थे वो शहद में चिपक गए थे। उन्होंने उड़ने की बहुत बहुत कोशिश की परंतु वह उड़ नहीं पाई। और जितना वो मक्खियाँ छटपटाती उनके पंख उतने ही अधिक चिपक जाते। मक्खियों को छटपटाते देखने के बाद भी जो नई मक्खियाँ थीं वो शहद के लालच में आती रहीं। नई मक्खियों को भी लालच था। किस चीज़ का लालच था? उन्हें भी शहद को चाटने का लालच था, इसलिए वो भी शहद पर आ रही थी। शहद को देखकर वह अपना लालच नहीं छोड़ पा रही थी, इसलिए मक्खियों की मूर्खता को देखकर व्यापारी ने बोला, जो लोग जीभ के स्वाद के लालच में पड़ जाते हैं वह इन मक्खियों के समान ही मूर्ख होते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला है कि लालच बुरी बला होती है, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू।